डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन। अगर एफ बार एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है और डेल एक वेक्टर है, डो बाय डो एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस डो बाय डो वाई टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस डो बाय डो जेड टाइम्स ऑफ के कैप, तो डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन होता है डेल डॉट एफ बार। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें डाइवर्जेंस मिल जाएगा फंक्शन का, जिसको हम डी आई वी एफ बार से डिनोट करते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, वेक्टर फंक्शन, और हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन होता है डेल डॉट एफ बार, और डेल होता है डो बाय डो एक्स टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस डो बाय डो वाई टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस डो बाय डो जेड टाइम्स ऑफ के कैप। इसमें हम एफ बार का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें डाइवर्जेंस मिल जाएगा। यहाँ पर एफ बार की वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा डो बाय डो एक्स टाइम्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई इंटू जेड प्लस डो वाई टाइम्स ऑफ थ्री वाई स्क्वायर माइनस थ्री जेड एक्स प्लस डो वाई डो जेड टाइम्स ऑफ थ्री जेड स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई। अभी हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में, और इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6x प्लस 6y प्लस 6z, और यही हमारा डाइवर्जेंस हो गया। यहाँ से 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ x प्लस y प्लस z, ये हमारा डाइवर्जेंस आ गया।